एक रिसेंट इंटरव्यू में सलमान खान ने यह कहा था कि संजू में संजय दत्त को खुद अपने लास्ट 10 ईयर्स का रोल प्ले करना चाहिए। उस पर फाइनली रणबीर कपूर का आया है जवाब। रणबीर कपूर ने दिया सलमान खान को करारा जवाब। वेल, जहां फिल्म संजू के लिए रणबीर के गजब के ट्रांसफॉर्मेशन पर उन्हें प्रेस किया जा रहा है, वहीं संजय दत्त बायोपिक पर सलमान खान का कहना है कि अगर फिल्म के आखिरी सीक्वेंस में रणबीर की जगह खुद संजय दत्त नजर आते तो ये ज्यादा अच्छा होता। सलमान को लगता है कि संजय से बेहतर उनकी जर्नी को कोई और नहीं दिखा सकता है। एंड ही इज वंडरिंग व्हाई संजय दत्त इजंट प्लेइंग हिमसेल्फ इन द लास्ट 7-8 ईयर्स ऑफ हिज लाइफ इन द फिल्म। वेल, जब इस बारे में रणबीर से पूछा गया तो उनके जवाब से साफ हो गया कि वो सलमान की बातों से जरा भी इत्तेफाक नहीं रखते। ही सेड, इट हैज नेवर हैपेंड दैट अ पर्सन प्लेड हिमसेल्फ इन हिज ओन बायोपिक। This destroys the effect of a character. I knew that I will be compared to Sanjay Dutt and that is why I have tried my best to do justice to this role. Well, Katrina Kaif ki wajah se Salman aur Ranbir ke beech chal rahi problem ab tak barqarar hai. Aise mein dekhna ye hoga ki Salman Ranbir ke is comment par kya jawab dete hain. Well, I think jo Ranbir Kapoor ne kaha ki bhai aaj tak kabhi bhi kisi biopic mein aisa nahi hua. एंड आई ऑल्सो पर्सनली फील कि मतलब सर इमेजिन करो ना कि रणबीर कपूर स्टार्टिंग से संजय दत्त बनते आ रहे हैं और सडनली एक्चुअल वाले संजय दत्त जाए, एक सडन जंप आ जाएगा मूवी में। बिल्कुल, तो यहाँ पर जो है एक्टर की क्रिएटिविटी, उनका जो भी उन्होंने इस फिल्म को दिया है वो बिल्कुल भी इट्स गोइंग टू बी नल एंड वॉइड। एंड ऑब्वियसली इट्स क्वाइट वियर्ड, राइट, कि आप अपने ही बायोपिक में खुद का ही रोल प्ले कर रहे हो। इमेजिन मैरी कॉम प्लेइंग मैरी कॉम इन मैरी कॉम। या बट आई डोंट नो व्हाई सलमान खान एक्चुअली सेड दैट। नो, बेसिकली सो सलमान भाई एंड मिस्टर संजय दत्त वो लोग काफी पुराने दोस्त रह चुके हैं, इनकी मतलब दोस्ती की तो गाथाएं लिखी जा सकती हैं। सो मेबी यू नो आउट ऑफ रिस्पेक्ट लव के ही वांटेड संजय दत्त टू प्ले आखिरी के जो आप कह रहे हो 8-10 साल उन्हें खुद प्ले करना चाहिए था, बट एक्चुअली में मुझे नहीं लगता ये पॉसिबल है। आई जस्ट थिंक जब सलमान खान साहब पे बायोपिक बनेगी तो मेरे ख्याल से आखिरी के 10-15 साल सलमान भाई खुद ही प्ले करेंगे शायद उसमें। बट ऑन द कॉन्ट्ररी यहाँ पर ये भी तो हो सकता है कि सलमान खान और रणबीर कपूर का जो रिलेशनशिप है, ऑफ कोर्स वी नो द कॉमन थ्रेड इज कैटरीना कैफ, तो इट हैजंट बीन दैट ग्रेट। सो मे बी ही इज आल्सो कमिंग फ्रॉम दैट एंगल जहाँ पर ही डजंट रियली लाइक रणबीर कपूर दैट मच। मे बी That could be one of the possible reasons. लेकिन रणबीर कपूर ने यहाँ बड़ा सेफ खेला। एक तो स्टार्टिंग में कह दिया कि बॉस आज तक कभी किसी बायोपिक में ऐसा हुआ नहीं, ये पूरा कैरेक्टर खराब कर देगा, और फिर साथ में ये भी कह दिया यू नो आई नो आई विल बी कंपेयर्ड विद संजू बट आई कैन नेवर बी अ सेकंड संजय दत्त। सो बहुत आराम से खेला सलमान खान के उस यू नो रिएक्शन का, एक दूसरा रिएक्शन भी दिया। बट आई थिंक इट वॉज एन एप्ट आंसर। एंड जितना भी हमने ट्रेलर और टीजर में रणबीर कपूर को देखा है एज संजय दत्त, आई थिंक ही हैज डन कंप्लीट जस्टिस। आई बिलीव दैट इज संजय दत्त एंड आई एम वेरी क्यूरियस फॉर द फिल्म टू रिलीज। इनफैक्ट आई थिंक दिस विल बी द बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर ऑफ 2018।